सरकारी स्कूलों में प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने योग्यता के विवाद पर 12 अगस्त 2023 को एक अति महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि प्राथमिक शिक्षक के लिए बीएड की डिग्री अमान्य है। उम्मीदवार के पास डीएलएड अथवा समकक्ष पाठ्यक्रम की डिग्री होनी चाहिए। इस फैसले के कारण मध्य प्रदेश के 15,000 नवनियुक्त प्राथमिक शिक्षकों की नौकरी खतरे में पड़ गई है। फैसला आने के बाद जहां सरकार खुद पसुपेश में है कि जिन 15,000 बीएडधारी शिक्षकों को प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 में नियुक्ति दी गई है, अब उनके साथ कैसे न्याय करे। वहीं डीएलएड योग्यताधारी अभ्यर्थी जो 15,000 बीएड वाले अभ्यर्थियों की वजह से नौकरी से वंचित रह गए हैं, वे भी अब सरकार के खिलाफ अपनी मांगों को लेकर लामबंद हो गए हैं। जिला शिक्षा अधिकारी को इस संबंध को लेकर डीएलएड योग्यताधारी अभ्यर्थियों ने एक ज्ञापन डीईओ को सौंपा। ज्ञापन में मांग की गई है कि प्राथमिक शिक्षक की द्वितीय काउंसलिंग में बीएड पात्रता धारियों के नियुक्ति आदेश जारी करना असंवैधानिक है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने प्राथमिक शिक्षक के लिए बीएड पात्रता को अमान्य घोषित कर दिया है। इसलिए द्वितीय काउंसलिंग में बीएड पात्रता धारियों के नियुक्ति आदेश पर रोक लगाई जाए। हमारा जो संघ है वो डीएड संघ है। एक्चुअल में सर ये संघ होता नहीं, पर सरकार ने जानबूझ के हमको ये मजबूर किया है कि हमको संघ बनाना। सर 2018 से पहले कोई डीएड संघ नहीं था, क्योंकि पिछले 2018 से पहले प्राइमरी के लिए डीएड ही मान्य था प्राइमरी में पढ़ाने के लिए। डीएलएड डीएड जो मान्य था प्राइमरी में पढ़ाने के लिए, पर सरकार ने 2018 में एक गजट लाके एनसीटी के माध्यम से, जो प्रेशर के माध्यम से लाया गया था, उस माध्यम से प्राइमरी में डीएड को अलाउ कर दिया। और उसमें भी कंडीशन रखी गई कि उनको 6 महीने का बीस खर्च करना पड़ेगा, जो कि अपने आप में एक कहें कि वो इलीगल था, क्योंकि उन्होंने 6 महीने का ब्रिज कोर्स करवाने के माध्यम से ये स्पष्ट कर दिया था कि बीएड जो है प्राइमरी के लिए मान्य नहीं है, जो कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 8 अगस्त को जो अपना फैसला दिया उसमें ये बीएड को 28 जून 2028 जो एनसीटी का गजट था उसको रद्द कर दिया, जिसके माध्यम से देश भर में जितने भी बीएड कैंडिडेट जो प्राइमरी लेवल के लिए मान्य हो गए थे और जिन्होंने नियुक्ति पा ली थी, वो अब नियुक्तियाँ माननीय हाईकोर्ट के सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से निरस्त होगी। और हमारे शासन से यही मांग है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है उसी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पे आप जितने भी प्राइमरी में बीएड की नियुक्तियाँ हुई है वो एक प्रकार से इनलीगल हो गई है, उनको आप निरस्त करें। और जितने भी जो बीएड कैंडिडेट हैं जो प्राइमरी के लिए सही हैं और जो मान्य हैं उनको आप नियुक्तियाँ दें। अधिकारियों से हमें यही आश्वासन मिला है कि हमारे द्वारा शासन के जो निर्देश हैं उसी के आधार पर हमारे द्वारा जो भर्ती की जा रही है, शासन द्वारा जो हमें निर्देश दिए जाएंगे वो हम मान्य करेंगे। नीमच से अब्दुल अली रानी के साथ पवन राव शिंदे की रिपोर्ट।